स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कम बैक मिस्टर सन। ठीक है, मिस्टर सन डिसाइड टू हैव सम फन। मिस्टर सन ये डिसाइड करता है कि कुछ फन होना चाहिए। तो व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि वो क्या करता है, व्हाट ही डज? रीड एंड फाइंड आउट। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या करता है मिस्टर सन। इट इज संडे मॉर्निंग। ओके, ये संडे की मॉर्निंग होती है। इट इज संडे मॉर्निंग। मिस्टर सन लुक्स डाउन फ्रॉम द स्काई। और मिस्टर सन क्या करता है, वो स्काई से नीचे लुक डाउन करता है। मिस्टर सन, आई डोंट फील लाइक शाइनिंग टुडे। मिस्टर सन बोलता है कि आई डोंट फील, मुझे मेरा मन नहीं है कि मैं आज शाइन करूं। ठीक है ना, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, हम संडे मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि चलो हमारा आज मन नहीं है उठने का। तो सेम मिस्टर सन का भी मन होता है कि आई डोंट फील लाइक शाइनिंग टुडे, कि मुझे आज शाइन करने का मन नहीं है। आई विश टू रेस्ट, मुझे भी रेस्ट करना है। आई विश टू रेस्ट, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आई थिंक आई विल टेक अ हॉलीडे, मुझे लगता है कि मुझे आज एक मैं एक हॉलीडे लूँगा। मिस्टर सन गोज अवे फ्रॉम द स्काई। और मिस्टर सन क्या करते हैं, इट गोज अवे फ्रॉम द स्काई, वो स्काई से चले जाते हैं। और जैसे ही वो स्काई से चले जाते हैं, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, इट गेट्स डार्क। ठीक है, डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सो फर्स्ट स्क्वायरल, हम सबको पता है स्क्वायरल क्या होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्क्वायरल बोलती है, व्हाई इज इट सो डार्क, ये इतना डार्क क्यों हो गया, इतना अंधेरा क्यों हो गया, वेयर इज मिस्टर सन, मिस्टर सन कहाँ पर है। सेकंड स्क्वायरल बोलती है, आई फील एफ्रेड, मुझको डर लग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ रॉन्ग हो गया है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ रॉन्ग है, लेट्स गो होम, चलो होम चलते हैं, घर चलते हैं। बोथ रश टू देयर होम इन द होलो ऑफ अ ट्री। ओके, रश मीन्स तेजी से जाना, तेजी से भागना। तो वो दोनों, बोथ रश टू देयर होम, वो तेजी से अपने होम की तरफ जाते हैं। और वो होम कहाँ पर होता है उनका, होम इन द होलो ऑफ ए ट्री, एक ट्री के होलो में होता है, एक होल में उनका घर होता है। प्लांट, वेयर इज मिस्टर सन, प्लांट बोलता है कि मिस्टर सन कहाँ पर है। आई कैन नॉट मेक फूड विदाउट मिस्टर सन, मैं मिस्टर सन के बिना फूड नहीं बना सकता हूँ। आप सबको पता है ना कि सनलाइट से ही जो होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट यूज़ होती है, और उसी से ही प्लांट अपना फूड बनाते हैं, है ना, हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं सब लोग। तो प्लांट बोलता है कि मिस्टर सन कहाँ है, उसकी सनलाइट के बिना आई कैन नॉट मेक माई फूड। सो हाउ विल आई ग्रो, मैं कैसे ग्रो करूँगा। पीजन टू हर चिक्स, और पीजन अपने चिक्स से, अपने बेबीज से क्या बोलता है, डियर बेबीज इट इज़ डार्क आउटसाइड, आई कैन नॉट गेट फूड फॉर यू टूडे। और जो पीजन होता है वो अपने बेबीज से बोलता है कि इट इज़ डार्क आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा डार्क है, अंधेरा है, मैं आपके लिए फूड नहीं ला सकता हूँ आज, आई कैन नॉट गेट फूड फॉर यू। ओके, ऑल द वूमेन मैन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल द वीमेन मैन एंड चिल्ड्रन स्टॉप वॉट एवर दे आर डूइंग। और जितनी भी वूमेन होते हैं, ऑल द वीमेन मैन एंड चिल्ड्रन स्टॉप वॉट एवर दे आर डूइंग, ठीक है, जो ऑल द मैन वूमेन और चिल्ड्रन होते हैं, वो सब कुछ जो भी वो कर रहे होते हैं उसको करना स्टॉप कर देते हैं, दे स्टॉप वॉट एवर दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर स्केयर्ड, क्योंकि वो स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। दे रश टू देयर होम्स, ठीक है, वो कहाँ भागते हैं, वो अपने होम्स की तरफ, घर की तरफ रश करते हैं, तेजी से जाते हैं, रश मीन्स तेजी से भागना। देखिए, रियल में तो ये नहीं होता है, बट अगर ऐसा हो जाए कि सन, जैसे हम लोग करते हैं ना कि हम अपना वर्क ना करें, नहीं करते हैं बल्कि, तो अगर सन अपना वर्क करना छोड़ देगा तो क्या होगा, ये वो एक इमेजिनरी सिचुएशन इसमें दिखाई गई है, शो की गई है। ओके, गर्ल बोलती है, मिस्टर सन कांट टेक अ हॉलीडे, मिस्टर सन
हॉलीडे नहीं ले सकते हैं। आई हैव अ फुटबॉल मैच टुडे, क्योंकि मेरा एक फुटबॉल मैच है आज, तो आज तो हॉलीडे नहीं लेना था मिस्टर सन को। बॉय बोलता है व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, प्लीज़ कम बैक मिस्टर सन, मिस्टर सन प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ। इट बिकम्स वेरी क्वाइट ऑन अर्थ, ठीक है।